Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do MRI thigh. This system is 1.5 Tesla GE model MR355 Brevo. So first of all, this is entry desk. We have to fill up the patient data, and in this exam description you have to write down which scan you are going to do, and this is the protocol area. Select protocol from this. I have kept protocol in pelvis. This is thigh plus contrast. Just select, enter, accept, and start scan. Position for this scan is supine, feet first, and coil I am going to select is body array 2-3. Okay, accept, save Rx, start. First of all, we will take creep plane localizer. Okay, आप एक चीज देख लेना सबसे पहले स्कैन के उसका हिस्ट्री देख लेना, पेशेंट को स्वेलिंग है, ओनली पेन है, वो सब कुछ आप कंफर्म कर लेना. मुझे इसका करना है सिर्फ लेफ्ट हिप जॉइंट, तो मैं उसको सेंटरिंग करके उसको ही मैं रीलोकलाइज कर रहा हूँ. वो सेम लोकलाइजर को कॉपी करके नेक्स्ट डाल दिया. पेशेंट को है ना एक छोटा सा स्वेलिंग है, उसको मैं अभी ऐसा आपको दिखता हो ना तो विटामिन ई का कैप्सूल लगा देना, तो वो आपको क्या है कि स्कैन में समझ में आ जाएगा कि कौन से एरिया में आपको डेडिकेटेड ध्यान से देखना है. ओके, लेफ्ट हाई मुझे चाहिए, दोनों भी ले सकते हो, बट मुझे डेडिकेटेड लेफ्ट हाई करना है. दोनों भी लेना हो तो ले सकते हो एफ ओ वी इंक्रीज करके. मुझे अभी लेफ्ट हाई करना है तो मैं लेफ्ट हाई को रीलोकलाइज कर रहा हूँ. सेव आर एक्स, स्कैन. पेशेंट का हिस्ट्री जरूर ले लेना आप. ओके, हिस्ट्री से ही आपको ज्यादा मालूम चलेगा कि क्या आपको देखना है क्या है. ओके, सो ये अभी आ गया है, अपना लेफ्ट थाई पूरा कवर हो गया है. कैलिब्रेशन कर देते हैं इसको. बॉडी कॉइल मैंने लिया है 2-3. ओके, 2-3 में आप सिस्टम में जाके आपको 2-3 में उसको सही से अंदर टेबल में आपको पोजीशन करना रहेगा. ओके, टेबल में इनबिल्ट है 1-2 बॉडी कॉइल, 2-3 बॉडी कॉइल एंड 3-4. सो मैंने ये स्कैन को 2-3 में बॉडी एरे 2-3 में उसको पोजीशन दिया है. ओके, तो यहाँ पे उसको 2-3 में कैलिब्रेशन करते हैं. Whenever you are scanning a long bones, you should always take coronal stir first. उसके बाद coronal stir आने के बाद आपको पैथोलॉजी दिख जाएगा. सो फिर आप उसके बाद जजमेंट कर सकते हो कि एक्जल कहाँ से प्लान करना है. नहीं तो अननेसेसरी इतना ऊपर आप एक्जल लेने जाते हो, पूरा एक्जल कवर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. उससे अच्छा सबसे पहले coronal stir ले लो. मैं यहाँ पे 20 स्लाइस कर रहा हूँ. इमेज स्लाइस थिकनेस है 4 mm. स्पेसिंग इंक्रीज कर दिया मैंने, 5 किया तो भी चलेगा. थिकनेस 4 अच्छा रहेगा, लॉन्ग बोन्स रहते हैं ना उसमें 4 में क्वालिटी अच्छा रहेगा. भले ही आप थोड़ा उसका स्पेसिंग बढ़ा था, मैंने 4 थिकनेस 4 स्पेस करके पूरा हिप जॉइंट कवर कर दिया है. मैंने थोड़ा ऑफ सेंटर किया है राइट साइड वाला हिप जॉइंट, बट लेफ्ट मुझे डेडिकेटेड वो ही चाहिए. तो ये प्लानिंग हो गया आपका. हिप जॉइंट बहुत इजी है, आपको एक्जल में जो पूरा
एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरा ये मसल्स कवर होता हो उतना कवर कर लेना, थिकनेस 4 रखना, स्पेसिंग चाहे आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, फिर बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप 6-7 स्पेसिंग कर दो, नहीं फिर वो छोटा लीजन होगा तो मिस हो सकता है। इतना सही है, देखो इतने में कवर हो गया है, कोरोनल में भी सेज में देख लो, एक्जेल में देख लो, पूरा एरिया कवर है। ओके, यहाँ पे देख लेना सेज में आपको सही से दिखता है। टीआर को एडजस्ट कर दो, 3 मिनट का सीक्वेंस है, शिम डाल देते हैं। कोरोनल स्टर आ जाएगा ना फिर उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा कहाँ पे लीजन है, वी विल बी श्योर आफ्टर गेटिंग कोरोनल शिम। सेव आरएक्स स्कैन, ऑलवेज यू हैव टू क्लिक ऑन ऑटो स्कैन। सेकेंड सीक्वेंस आई एम गोइंग टू प्लान इज कोरोनल T1, सिंपली क्लिक ऑन कोरोनल T1, डबल क्लिक, सिलेक्ट RX, सिलेक्ट दिस सेम कोरोनल स्टर सीक्वेंस, सेम शिम एक्सेप्ट, सिंपली यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। अवर कोरोनल T1 इज ऑल्सो रेडी, स्कैन इज ऑन ऑटो मोड। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस आई विल प्लान आफ्टर getting coronal stir. When scan is on auto mode, automatically it will take coronal T1. When coronal T1 is running, at that time we will plan axial stir. Okay? Coronal stir खत्म होने के बाद T1 जब आता है वो रन होगा, इतना टाइम अपने पास है वो टाइम में स्टर प्लान हो जाएगा। डबल क्लिक करके ओपन रखते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, जैसा ही कोरोनल आएगा तो मैं कोरोनल के विंडो में कोरोनल स्टर डाल के वहां से प्लानिंग कर देंगे। ओके, ये कॉमन मेथड है, ऐसा ही करना चाहिए आपको ऑलवेज, टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट होगा आपका, स्कैन भी चलते रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। इमेजेस लिया है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जितना इमेजेस आप इंक्रीज करोगे उतना टाइम आपका स्कैन टाइम बढ़ते जाएगा। आवर स्टार कोरोनल सीक्वेंस हैज जनरेटेड, नाउ डबल क्लिक ऑन एक्सेल स्टार, एंटर द कोरोनल स्टार इन कोरोनल विंडो, सिंपली क्लिक ऑन दिस विंडो एंड एंटर फ्रॉम योर। ओके, दिस पेशेंट इज हैविंग नथिंग, आई थिंक इट मे बी अ स्मॉल फैटी लीजन और समथिंग एल्स, नो एस वेल बिकॉज देर इज नथिंग इन कोरोनल स्टर सीक्वेंस। I have taken axial duolico instead of axial T1 because axial duolico takes only 38 seconds. I am getting this sequence very fast, that's why I haven't taken axial T1. मैंने dual echo लेके मैंने localize कर दिया, मैंने जो capsule लगाया था वो देखो आप T1 में दिखेगा, विटामिन ई का कैप्सूल लगा देना जहाँ पे भी स्वेलिंग हो। ये पेशेंट को यहाँ पे स्वेलिंग था तो मैंने यहाँ पे कैप्सूल लिया, देखो T1, मैंने ड्यूल इको लेके उसको फटाफट लोकलाइज कर दिया क्योंकि कोरोनल स्टर में कुछ दिखा नहीं है अभी। क्या बाकी का जो एक्सेल स्टर है वो आपको प्लानिंग में इजी रह जाएगा, ये यहाँ पे जो कैप्सूल है वो ये एरिया में आएगा, कोरोनल स्टर में वैसे नहीं दिख रहा है अभी। सो इतना एरिया हम कवर कर लेंगे थाई का। ओके, हेड ऑफ द फीमर टू यहाँ तक नीचे फीमर तक, लोअर फीमर तक पूरा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ है नहीं। सपोज उसको कुछ मसल्स में इंजरी वगैरह है, हैमस्ट्रिंग वगैरह रहता है तो फिर उसमें पूरा थाई लेना पड़ेगा। इसमें मुझे लोकलाइज यहाँ पे ही सिर्फ लीजन के लिए करना है तो मैंने वो हिसाब से प्लानिंग किया है। कोरोनल T1 भी आ गया है,
तो मेजर कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। देखो यार, कोरोनल डी1 में यहाँ पे कैप्सूल है, ये एरिया में कुछ भी नहीं है। अभी ये स्कैन बहुत इजी हो जाएगा और इसको कॉन्ट्रास्ट वगैरह की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। 30 इमेजेस लिया है, 6 थिकनेस, 3 स्पेसिंग और इतना एरिया पूरा कवर कर दिया। ये प्लानिंग आप देख सकते हो। ओके, फीमर का जो एक्सिस है ना वो हिसाब से आपको थोड़ा ऑब्लिक कर देना, शिम डाल दो आप, सेव आरएक्स स्कैन। ऐसा सपोज कुछ आपको दिखता है कि कुछ लीजन वगैरह नहीं है और शायद कुछ फैटी लीजन होना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ मतलब लाइकोमा जैसा भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो मे बी शायद कुछ फैट बल्क हुआ हो तो उसको ऐसा स्वेलिंग दिख रहा है। वैसा लाइपोमा भी नहीं दिख रहा है, वैसे तो कुछ T1 में लाइपोमा हो तो दिख जाना चाहिए। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, कोरोनल स्टर, कोरोनल T1, एक्सियल स्टर। एक्सियल T1 की जगह पे मैंने एक्सियल ड्यूली को लिया है। सपोज कुछ ट्यूमर वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सैज T2 और सैज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्यों लेते हैं? कुछ कैल्सिफिकेशन, कुछ हेमरेजिक लीजन वगैरह हो तो ग्रेडियंट लेना चाहिए। ओके, कैल्सिफिकेशन हो, शायद ट्यूमर में भी हेमरेज रहता है तो ग्रेडियंट लेना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारी सीक्वेंस ऑप्शनल रखी है, बट नॉर्मली आपको करना हो तो कोरोनल स्टर, कोरोनल T1, एक्सियल स्टर, सैज T2, सैज ग्रेडियंट और एक्सियल स्टर तो लिया ही है। एक्सियल T1 आप ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे फास्ट ड्यूलिकल लेता हूँ। इसमें क्या, ड्यूलिकल में T1 दिख जाता है तो बहुत कोई इश्यू नहीं है, फास्ट आपका स्कैन हो जाएगा। सैज T2 ले लेते हैं, डबल क्लिक किया, ओपन किया, स्पेसिंग इसको भी 20 इमेजेस कर देता हूँ, 4 थिकनेस है। स्पेसिंग आपको हिप के एरिया के हिसाब से इंक्रीज करना होगा। ओके, 4 थिकनेस 4 स्टेप में पूरा कवर हो जाएगा। मैं इसका टाइम बहुत कम कर देता हूँ क्योंकि पेशेंट को कुछ क्लिनिकली कुछ दिख नहीं रहा है तो ज़्यादा टाइम देके मतलब नहीं है कुछ। स्कैन फास्ट हो जाएगा इजीली। सैज T2, सेव आरएक्स। अभी यहाँ पे इसको कुछ लीजन नहीं है वैसे तो, ठीक है, फिर भी ग्रेडियंट ये रूटीन प्रोटोकॉल मेरा ले रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई दूसरा सीक्वेंस लेना हो तो यू कैन आस्क टू योर कंसल्टेंट विच एवर सीक्वेंस ही वॉन्ट्स, यू हैव टू जस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। ओके, सेम टू सेम सैज GRE, यू हैव टू डबल क्लिक, ओपन एंड कॉपी, सेम टू सेम सैज T2 प्लान, सेव RX, रेडी। यार दिस पेशेंट इज माइट बी हैविंग बल्ज ऑफ अ फैट, सो आई विल गोइंग टू टेक सैज T1 ऑल्सो। सैज T1 डबल क्लिक, ओपन, आप है ना फास्ट रन कर देना, कोई इशू नहीं है, सीक्वेंस बढ़ रही है बट फास्ट रन कर देना। यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह कम करके मैंने सीक्वेंस को 2 मिनट का ही बना दिया। लॉन्ग बोन्स हिप वगैरह रहता है ना वो देख देख के स्कैन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस भी रखी है, इसका जरूरत नहीं है कुछ, उसको लीजन नहीं है इसके लिए। सो ये मेरा आज का प्रोटोकॉल है, हमारा इथाई, कोरोनल स्टर, कोरोनल T1, एक्सियल स्टर, एक्सियल T1, सैज T2, सैज ग्रेडियंट एंड सैज T1। ये वैसा सैज T2 सैज ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है बट आप ले लो तो अच्छा रहेगा। ओके, देख के आपको स्कैन करना है। देखो वैसे तो इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो कोरोनल स्टर में ही। सबसे पहले स्टर इसके लिए लिया है कि स्टर में ही आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कुछ पैथोलॉजी है क्या है। इसके लिए हम ऑलवेज कोरोनल स्टर फर्स्ट ले लेते हैं।
Now I will show how exhausts are going to look. Now acquisition for exhaustor has been done. You can just see there is no hyper intensity. This is small capsule I can make out. In this area also there is nothing. Whole scan is normal, I think. SAS-T2, SAS-T1, SAS-DRE is remaining. सिंपल, आपको कोरोनल स्टार सबसे पहले प्लान करना है, वो सेम कॉपी कर देना कोरोनल T1 के ऊपर. कोरोनल स्टार जैसे ही आपको मिलता है वो कोरोनल के विंडो में डाल के एक्जल स्टार प्लान कर देना. ओके, सेम टू सेम आपको एक्जल कोई भी चाहिए उसको कॉपी पेस्ट कर दो सिंपल. फिर कोई भी एक साइज प्लान कर दो, फिर वो सबको आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. बहुत ईजी है. किसी को लगता होगा कि MRI बहुत हार्ड है, बट एज पर मी MRI इज वेरी इजी. स्लाइटली यू हैव टू यूज योर ब्रेन. सो नाउ ऑल द सीक्वेंस हैज डिस्प्ले. नाउ यू कैन सी दिस SAS-T2 नॉर्मल स्कैन SAS-GRE. No calcification, no hemorrhage, nothing. Once again, I'll show you all the sequence. This is coronal stir, axial dual echo instead of axial T1, coronal T1, axial stir, SAS-T2, SAS-T1. This is standard protocol. You can simply run this. Okay. So this is what the scan for today. MRI, thigh. Hope you like my videos. Please like, share and subscribe my channel. And press bell icon for more updates. Thanks for watching.